हेलो इलेवंथ क्लास स्टूडेंट्स, हेयर वी आर फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर डायमेंशनल फॉर्मूला 6। आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो सैम्पल प्रॉब्लम हमने चार टाइप की देखी थी, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, फाइंडिंग द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, चेकिंग द करेक्टनेस वेदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर हैविंग द सेम डायमेंशंस, एज वेल एज फोर टाइप डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। लुक एट दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें क्या करना है, कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट को एक ऐसे सिस्टम में चेंज करना है हुज बेस यूनिट्स आर 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इट इज 60 जूल पर मिनट, सो 60 जूल पर मिनट। नाउ जूल जो है वो किसकी यूनिट होती है, वर्क या एनर्जी, और मिनट किसकी यूनिट है, टाइम की। सो वर्क बाय टाइम क्या होता है बच्चों, पावर होता है। सो कई बच्चे यहां पर गलत कर सकते हैं कि जूल देख के सोचेंगे एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं। तो वर्क अपॉन टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यहां पर पावर है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहां पर बच्चों, पावर है। नाउ व्हाट वी कैन राइट 60 जूल पर मिनट, नाउ 60 जूल पर मिनट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 60 जूल पर 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 60 बाय 60, 1 बाय 1, जूल पर सेकेंड इज वाट, सो 1 वाट। तो अब तक हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम। फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली पावर, और जो एन वन मिला वो हमें मिला 1। एन वन जो हम लेंगे वो हमें क्या मिला, 1। 60 नहीं है, आप यहाँ गलत कर सकते हैं, एन वन यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी और पावर, पावर बिकॉज एनर्जी बाय टाइम इज पावर, सो पावर इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज पावर, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले नहीं आ रहे तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1, बिकॉज एम हैज पावर 1, सो बी इज इक्वल टू 2 बिकॉज एल हैज पावर 2, एंड सी इज इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज टी की पावर क्या है, माइनस 3 है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एन टू एन वन, एम वन बाय एम टू रेज टू पावर ए, एल वन बाय एल टू रेज टू पावर बी, एंड टी वन बाय टी टू रेज टू पावर सी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, एन टू इज इक्वल टू एन वन, हाँ जी एन वन 60 लें या 1 लें, वी हैव सॉर्टेड इट आउट, एन वन हमें 1 लेना है। 60 हम जब ले सकते थे, जब सिर्फ जूल होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिर्फ जूल होता तो क्वांटिटी हो जाती वर्क या एनर्जी, और एन वन हो जाता 60। अभी क्या है, 60 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट को सॉर्ट आउट किया तो एन वन आया 1, नॉट 60। सो एन वन की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, 1 लेंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, माइनस 3। नाउ लुक एट द फॉर्मूला एम वन एल वन टी वन, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर द न्यूमरेटर बिलोंग्स टू द गिवन सिस्टम। लुक एट द गिवन सिस्टम, क्वांटिटी इज पावर, यूनिट्स आर वाट, वाट इज विच सिस्टम, वाट इज एसआई सिस्टम, सो वाट इज एसआई सिस्टम, वाट इज एसआई सिस्टम यूनिट, तो वाट जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है बच्चों। तो गिवन सिस्टम क्या हो गया, एसआई, और रिक्वायर्ड क्या है हमारा, रिक्वायर्ड है इट इज कन्वर्टेड इन टू अ सिस्टम हुज बेस यूनिट्स आर 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिस्टम। ये डिनोमिनेटर में आएंगी तीनों यूनिट, 1, 2, 3, ये यहाँ आएंगी, और एस आई की जो यूनिट हैं वो न्यूमरेटर में आएंगी। सो पुट दीज यूनिट्स, एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, लेंथ की एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, टाइम की एस आई यूनिट सेकेंड। ओके, रिक्वायर्ड सिस्टम 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। नेक्स्ट स्टेप
इसको यहां प्रोसीड करते हैं. सो एन टू इज इक्वल टू वन इंटू, यस स्टूडेंट्स, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम. सो 1000 ग्राम डिवाइड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम में कितने ग्राम्स थे, 100 ग्राम, 100 ग्राम्स थे. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर्स बच्चों, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज बी की वैल्यू क्या है, 2 है. नेक्स्ट सेकंड रेज टू पावर माइनस 3 एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 60 सेकंड्स. सो यहां पर आ जाएगा 60 सेकंड. सो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 100 से 100 कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम और 00 से 00 कैंसिल हो गई. अब स्टूडेंट्स यहां पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 इंटू 10 इंटू 1 इंटू. अब ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखिए, 1/60 रेज टू पावर माइनस क्यूब है. सो 1/60 हैविंग पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 60 रेज टू पावर प्लस 3. ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 60 रेज टू पावर प्लस 3. सो स्टूडेंट्स एन टू इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 इंटू 6 इंटू 6 36 36, 36 6 जा 216. सो 216 इंटू 10 रेज टू पावर 3, दैट इज 1000. सो व्हाट डज इट विल बिकम, 216 इंटू 1 2 3 4. सो आंसर इज 216 इंटू 10 की पावर 4. इफ यू पुट अ डेसिमल हेयर पावर विल इंक्रीज अप टू 6. सो एन टू इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर 6. दिस इज द आंसर ऑफ दिस अवर प्रॉब्लम. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेरी गुड मैनर. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला. फॉर्मूला करेक्टनेस चेक करना सबसे आसान मेथड है, बिकॉज इन दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड. इफ डायमेंशन आर इक्वल देन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. इफ बोथ साइड डायमेंशन आर नॉट सेम देन फार्मूला विल बी इनकरेक्ट. सो टेक द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये क्या चीज़ है भाई, हाइट है. एच क्या है, हाइट. हाइट का डायमेंशन एल होता है बच्चों. तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कम्स आउट टू बी एल, हाइट. एच की वजह से हमारा डायमेंशन क्या आ गया, एल आ गया. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड चलिए, 2 इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल नंबर. 2 इज व्हाट, डायमेंशनलेस. कोस थीटा इज डायमेंशनलेस. आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर्स इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस टेंशन. सो सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, MT-2 डिवाइड बाय व्हाट इज आर, आर इज रेडियस. सो रेडियस के डायमेंशन एल, सो एल स्क्वेयर. व्हाट इज डी, डी इज डेंसिटी. डी इज डेंसिटी, दिस इज डी एंड डी इज डेंसिटी. सो डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, ML-3. व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन. वेरी सिंपल, LT-2. लेट अस सॉल्व दिस राइट हैंड साइड. मास से मास कैंसिल हो जाएगा बच्चों, T^-2 इज कैंसल्ड बाय T^-2. एल स्क्वेयर इंटू एल, एल क्यूब इज टोटली कैंसल आउट बाय L^-3. सो L^-3 इज कैंसल्ड आउट बाय L^+3. सो नथिंग इज लेफ्ट. वट वी कैन राइट, M0, L0, T0. सो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस आर L, राइट हैंड साइड डायमेंशंस आर M0, L0 एंड T^0. एज वी कैन क्लियरली सी दे आर नॉट इक्वल. इफ दे आर नॉट इक्वल दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. फार्मूला इज इनकरेक्ट. कौन सा फार्मूला इनकरेक्ट था, जो इस प्रॉब्लम में हमें ये फार्मूला दिया गया था, ये फार्मूला गलत है डायमेंशनली. आप इसी तरह अलग अलग फार्मूलाज को ट्राई आउट कर सकते हैं. लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है पी इज इक्वल टू A-T^2/Bx. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. P इज व्हाट, प्रेशर. X इज डिस्टेंस. T इज टाइम. A एंड B आर टू अननोन वेरिएबल्स. A और B कुछ वेरिएबल्स हैं
जिनका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ए और बी वेरिएबल हैं बट उनका डायमेंशन है बच्चों, ए और बी वेरिएबल हैं बट उनका कुछ डायमेंशन है। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए देन बी देन ए बाय बी। चलिए लिखते हैं इसको, प्रेशर इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय बी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स वी नो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। इफ आई एम हैविंग टी स्क्वायर हेयर, तो अगर यहां पर टी स्क्वायर है तो पक्का ए के डायमेंशन टी स्क्वायर होंगे, बिकॉज टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, टी स्क्वायर में से ही किया जा रहा होगा, टी क्यूब या टी तो हो नहीं सकता। सो ए के डायमेंशन क्या आ जाएंगे यहां पर, टी स्क्वायर आ जाएंगे। सो डायमेंशन ऑफ ए आर टी स्क्वायर, बिकॉज अगेन टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट फॉर बी डायमेंशन ऑफ बी, वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ एक्स एज एक्स इज अ डिस्टेंस, वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ पी एज पी इज प्रेशर, वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ टी एज टी इज टाइम एंड ए टी स्क्वायर। सो स्टार्ट दिस क्वेश्चन, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टाइम के डायमेंशन टी बट स्क्वायर इज हेयर सो टी स्क्वायर बाय बी मल्टीप्लाई बाय एक्स के डायमेंशन एल। हमें निकालना किसको है, हमें निकालना है बी को। सो बी को हम ऊपर ले जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो बच्चों बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, जीरो बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा। डायमेंशंस में टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज ए टी स्क्वायर, सो इसका आंसर टी स्क्वायर ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, देखिए आप, एल इज कैंसल्ड बाय एल रेस्ट पावर माइनस वन, एल इज कैंसल्ड बाय एल रेस्ट पावर माइनस वन, एम ऊपर जाएगा तो एम रेस्ट पावर माइनस वन एंड टी रेस्ट पावर प्लस टू प्लस टू फोर। सो एम के डायमेंशन उसके बी के डायमेंशन आगे एम माइनस वन टी रेस्ट पावर फोर एंड ए के डायमेंशन टी स्क्वायर। वन मोर स्टेप, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। अगर क्वेश्चन होता ए के डायमेंशन निकालने हैं बी के, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, पर अभी हमें निकालना ए बाय बी। चलिए करते हैं, ए बाय बी, सो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए, टी स्क्वायर एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बी, एम माइनस वन टी फोर। नाउ एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम बन जाएगा प्लस वन एंड टी माइनस फोर प्लस टू, सो ओवरऑल आंसर इज एम टी माइनस टू। सो द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज एम टी माइनस टू। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। ये कौन सी टाइप हम करेंगे अभी, हम डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। इस मेथड में हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर बोला गया है फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, फ्रीक्वेंसी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स, रेडियस, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। वन टू थ्री फैक्टर्स कैन बी वन टू थ्री और मोर। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो या दो से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, और हमें इस मेथड में फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर्मूला बनाना किसका है, इसका बनाना भाई, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किस पे कर रही है, रेडियस पे कर रही है, दूसरा सरफेस टेंशन पे कर रही है, तीसरा डेंसिटी पे कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, पहली बार कर रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी सिंबल इज न्यू, न्यू डिपेंड अपॉन रेडियस, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी रो। जो ऑर्डर मैंने लिखा है आप कुछ भी ले सकते हैं आगे पीछे, बिकॉज न्यू डिपेंड अपॉन ऑल थ्री फैक्टर्स। सो आप ऑर्डर रो को आगे लिखें, आर को पीछे लिखें या एस को आगे लिखें, नथिंग विल चेंज, उससे डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू इज इक्वल टू, अब इसको हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के आएगा, तो के आ गया आर एस रो। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हम पावर्स डोनेट इसको डिनोट करेंगे ए बी सी। आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी पावर्स को नाम दे सकते हैं, ए बी सी कोई कंपलसरी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, टी माइनस वन, नहीं आते तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन हो गया, के डायमेंशन लेस है।
आर क्या है, रेडियस है, रेडियस के डायमेंशन एल होते हैं, एल रेस्ट पावर ए, सरफेस टेंशन की पावर बी, तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एम टी माइनस टू, सो रेस टू पावर बी, डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल माइनस थ्री रेस टू पावर सी, सो इस तरह हम लिख लेंगे। अब जो है हमें जो करना है काम वो ये है, m की पावर्स को अरेंज करना है कि वो इकट्ठी आ जाएं। अब इस बीच वाले फॉर्मूले में m की पावर b है, यहां पर m की पावर c है, तो वी कैन राइट m रेज टू पावर b प्लस c, b एंड c, l रेज टू पावर a माइनस थ्री सी, एल रेज टू पावर a माइनस थ्री सी, एंड t रेज टू पावर माइनस टू बी, टी रेज टू पावर माइनस टू बी। लुक एट दिस इक्वेशन, एम रेज टू पावर बी प्लस सी, हेयर एम रेज टू पावर जीरो, जस्ट यू हैव टू इक्वेट देम, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, एंड माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, दिस माइनस टू बी इज इक्वल टू दिस माइनस वन, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एम की पावर इक्वेट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट है a माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, एल की पावर इक्वेट कर दी, t अकेला है तो माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू वन बाय टू, तो एक पावर हमारी आ गई है a b c में से, b आ गया वन बाय टू। अब b प्लस सी जीरो है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c, सो दैट इट कैन ऐड टू b एंड गिव द रिजल्ट जीरो, b है 1 बाय टू तो c हो जाएगा माइनस वन बाय टू, तो c भी आ गया, c भी आ गया हमारे पास। अब बच गया a, तो a के लिए c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू हेयर, सो a माइनस थ्री माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो, a प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, दिस इज द थर्ड आंसर, वन टू थ्री, ऑल द पावर्स आर कैलकुलेटेड। जब ये तीनों पावर आ जाएंगी इनको आपको सेकंड स्टेप में ले जाके रखना है हर प्रॉब्लम में, डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला टाइप में, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के करोगे जैसे ही पावर आपकी इक्वेट होंगी कैलकुलेट होंगी उनको दूसरे स्टेप में ले जाके रखना है। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं, न्यू इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस थ्री बाय टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, प्लस वन बाय टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, माइनस वन बाय टू, व्हाट इज कॉमन हेयर, वन बाय टू पावर इज कॉमन, सो वी कैन पुट अ कॉमन रूट फॉर ऑल थ्री क्वांटिटीज, सो न्यू इज इक्वल टू के अंडर रूट आर इज टू माइनस थ्री, सो आर कैन बी रिटन इन द डिनोमिनेटर साइड, s has plus 1 power so s is written on the numerator side, and rho has power minus 1 so rho is written in the denominator position, so this is the formula which we have derived by this formula or you can say this method, derivation of a formula। तो आज हमने चार problem करी आज के lecture में और ये बहुत बहुत important है, इसके ऊपर based जो भी exercises हैं आप कर सकते हैं, and you can ask doubt frequently। थैंक यू स्टूडेंट्स।